बिल्कुल, तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीन चरणों में चुनाव होगा। इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं एक ही चरण में हुए हैं, आज पहला चरण है और इसे हम ऐतिहासिक शुरुआत भी कह सकते हैं। कई मायनों में हरियाणा पंचायत चुनाव इस बार का बेहद खास, पहली बार हरियाणा के लोग दो दिन में दो बार मतदान करेंगे। आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए चुनाव हो रहा है और अब से ठीक 48 घंटे के बाद यानी कि 2 तारीख को पंच और सरपंच का चुनाव होगा। तो बिल्कुल, अब सीधे रुक करते हैं जिनका हमारे संवाददाता परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत, आपसे जानना चाहेंगे क्या तेजी से ये जो रफ्तार पकड़ रही है वोटिंग, या फिर अभी भी ढीला रवैया दिख रहा है सुबह के बाद? बिल्कुल, देखिए आज जींद जिले के अंदर जो है ब्लॉक समिति और पार्षदों के चुनाव होने हैं, मतदान होना है, उसको लेके जो है काफी उत्साह वोटरों के में देखने को मिल रहा है और लोग सुबह 7 बजे से अपने घरों से निकलकर जो है वोट डाल रहे हैं। हालांकि बता दूं मैं आपको, जींद जिले के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोग अब की बार वोट डालेंगे और जो महिलाएं हैं वो भी अपना काम काज छोड़कर जो है यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और सुबह 7 बजे एक बुजुर्ग जो है ने वोट डाला था जिसकी उम्र करीबन जो है 85 साल के आसपास है, उनका भी कहना था कि हम अपने घरों से निकलकर जो है छोटी सरकार बनाएंगे यानी छोटी सरकार सुनेंगे और हमने भी जो है आज वोट डाला है। और लोगों से अपील की है कि आप घरों से निकलकर वोट डालिए और लोगों में काफी उत्साह जो है वोट के प्रति देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 दिन के बाद जो है पंचायती चुनाव होने हैं, ये ब्लॉक समिति और जिला पार्षद के चुनाव हैं। पंच और सरपंच के जो है 2 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मैं आपको बता दूं जो 3,500 के आसपास पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो जींद के SSP नरेंद्र बिजरानिया और 34 नाके लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है, 10 मीटर में अगर कोई दिक्कत आती है तो पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंच जाएगी और जो है वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो काफी बेहतर इंतजाम ताकि निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव संपन्न हो पाए और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये चुनाव काफी ठीक ठाक तरीके से निकल जाए, यही कोशिश चुनाव आयोग की और यही कोशिश इस बार जो प्रशासन है उसकी। तो हमारे संवाददाता जींद का हाल हमको दिखाते हुए परमजीत पवार।